Morning children, today we will study question answers, fill in the blanks, true and false, and MCQ of an approach towards the past. Fill in the blanks and true and false you can go through yourself. Short question answers. What is the difference between prehistory and history? Answer. Prehistory is the period of human development when writing has not been invented and of which we have no written records, whereas history is the period for which written records are available. Prehistory वो time है जब हम लोग लिखना नहीं जानते थे और लिखित में कुछ भी दस्तावेज मौजूद नहीं है, और history वो पीरियड है जब लिखित में दस्तावेज मौजूद हैं और ह्यूमन लिखना जान गए थे. सेकेंड, द मोन्यूमेंट. वॉट डू वी गेट टू नो फ्रॉम देम. मोन्यूमेंट्स आर ओल्ड बिल्डिंग्स, old settlement, ruin of temples, stupa, mosque, tomb, palaces, etc. They provide important information about the past heritage. Monuments क्या होते हैं? जो पुरानी building होती हैं, पुराने settlement होते हैं, temples होते हैं जो पुराने हैं बहुत, stupa, mosque, इन सबको मॉन्यूमेंट्स कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गई, ये सब मॉन्यूमेंट्स में आते हैं. और ये क्या देते हैं? इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताते हैं उस समय के राजा महाराजा के बारे में. थर्ड क्वेश्चन, How did the Northern Plains influence the history of India? Answer. The plains along with river of the Northern Plains developed faster than any other part of the country. The river were not only used to as a mode of transport but also were an important water source. They help agriculture and trade purpose. अब इसमें बता रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हिस्ट्री में. क्यों हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस रखता है? क्योंकि उसके किनारे से नदियाँ बहती थीं, जो नदियों के कारण वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता था. ट्रांसपोर्टेशन होने के साथ साथ वहाँ का व्यापार होता था. व्यापार होने से वहाँ की तरक्की होती थी. एग्रीकल्चर के गुड्स ये बेचे जाते थे, ट्रेड किया जाता था. इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स इन्फ्लुएंस करता है इंडियन हिस्ट्री को. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. First, how does the study of history help us? Answer. By studying history, we come to know about the king and the kingdom and the leaders of the past. We can also learn about the lives and activities of the common man. We can understand the past and the present by studying history. What is today will be history tomorrow. History teaches us not to make mistakes that have been made in the past. We can also study the continuous development of man by studying literature, art, architecture, etc. We can study the basic nature of
our society by studying history and that how and why people behaved in a particular way, why they fought or lived peacefully, all these queries can be answered. अब इसमें बता रहा है हिस्ट्री, हिस्ट्री की स्टडी से क्या क्या हमें मदद मिलती है. ये मदद मिलती है कि पुराने लोग कैसे थे, पुराने किंग कैसे थे, उनकी किंगडम कैसी थी, वहाँ के लीडर्स कैसे थे, इसके बारे में पता चलता है. कॉमन मैन क्या काम करता था, उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, ये पता चलता है. पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट से प्रेजेंट में कैसे लिंक हुआ, ये पता चलता है पढ़ने से. और हिस्ट्री जो आज है वो कल हिस्ट्री हो जाएगी, ये हम लोग को समझ में आती है बात. और हिस्ट्री जो पढ़ने से हम ये काम होता है कि हमने जो पास्ट में मिस्टेक की है उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करें. फिर कंटिन्यूस डेवलपमेंट पता चलता है, कैसे कैसे लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, आर्किटेक्ट का डेवलपमेंट हुआ, बेसिक सोसाइटी कैसे डेवलप हुई, क्यों लोग इस तरह का काम करते थे और किस कारण से करते थे, ये सब पता चलता था. क्यों वो लोग लड़ाई करते थे या पीसफुली रहते थे, ये पता चलता है हिस्ट्री की पढ़ाई से. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू हिस्टोरियन फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट. हिस्टोरियन फाइंड आउट अबाउट द पास्ट विद हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्स मीन्स आर्टिफैक्ट और मॉन्यूमेंट्स. आर्टिफैक्ट आर ऑब्जेक्ट सच मेड आर्टिफैक्ट आर ऑब्जेक्ट मेड एंड यूज बाय मैन इन द पास्ट. मेटल ऑब्जेक्ट पॉटरी ज्वेलरी ईटीसी गिव हिस्टोरियन इम्पॉर्टेंट क्लू एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड देयर कल्चरल लाइफ. एग्जाम्पल आर्टिफैक्ट फाउंड एट हरप्पा एंड मोहनजोदारो. मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स आर ऑल्सो वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. रुइन ऑफ टेम्पल पैलेसेस फोर्ट मॉस्क ओल्ड सेटलमेंट ईटीसी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर पास्ट हेरिटेज. कॉइन्स टेल्स हिस्टोरियन अबाउट the economy and trade of the king in the past, about administration and qualities qualities of king. Historian find out the dates and coronation specimens of art and relation with the neighboring kings with the help of inscription engraved on the rock pillars, copper plate walls, etc., etc. They also depend on the literary source to get the knowledge about the past. People wrote on bark of trees, stones, rock or tablet. Handwritten records helps them to gain information about custom, religion, beliefs and culture of people. Travelers wrote about their stay and their events, administration setup, rules, declaration of king, etc. The
religion, literature give an account to historians about religious beliefs which are found in the ancient India. अब हिस्टोरियंस को कैसे पता चलता है कि पास्ट में कैसे क्या हुआ, तो पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स के द्वारा इनको पता चलता है. आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर्टिफैक्ट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आर्टिफैक्ट जैसे मेटल के ऑब्जेक्ट, पॉटरी, ज्वेलरी, ये सब से पता चलता है. ये क्लू देती है उस समय के कल्चर के बारे में. आर्टिफैक्ट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए. मॉन्यूमेंट्स जैसे पुराने टेंपल्स, पैलेसेस, ओल्ड सेटलमेंट, ये सब होता है, ये सब चीज़ें से मिलती है कि वहाँ कैसे लोग रहा करते थे, क्या उनके विचार थे, ये सब पता चलता है. फिर कॉइन्स से पता चलता है हिस्टोरियन को कि वहाँ की इकनॉमी कैसी थी, किंग कैसा था, किंग का व्यापार कैसा था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कोऑर्डिनेशन कैसा था, रिलेशन कैसा था नेबर किंग्स के साथ. और ये सब सारे चीज़ें रॉक पिलर्स पे कॉपर प्लेट पे लिखी हुई मिलती हैं. लिटरेरी सोर्स पे डिपेंड करता है कि हम पीपल, बार्क ऑफ ट्रीज़ पे, रॉक पे, टैबलेट्स पे लिखते थे, वो सो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स है ये सब. और वो कल्चर के बारे में, पीपल का कल्चर कैसा था, जो ट्रैवलर्स आते थे उनके लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं, जिससे पता चलता था कि वहाँ जिस जगह गए वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ की रूल कैसी थी. और रिलीजियस लिटरेचर से पता चलता था कि कौन से रिलीजन वो लोग फॉलो करते थे, क्या क्या बिलीव्स थी उनकी, ये पता चलता था. थर्ड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेकुलर लिटरेचर. आंसर, रिटन राइटिंग विच आर नॉट रिलीजियस आर नोन एज सेकुलर. जो भी राइटिंग है जो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है उसको सेकुलर लिटरेचर कहते हैं. दीज इंक्लूड बायोग्राफीज, हिस्टोरियन अकाउंट, रिटन बाय पोएट्स, फॉरेनर, ट्रेवलर्स. और किसके द्वारा लिखी गई है? बायोग्राफीज लिखी गई है, हिस्टोरियंस जो अपने अकाउंट घूमने आए थे वो लिखे हैं, लिखी गई है, पोएट के द्वारा लिखी गई है. दे आर रिटन to record happenings, events, administration setup, rules and declaration of the king. इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसा था, क्या इवेंट्स हुए थे, क्या रूल था, क्या डिक्लेरेशन था किंग का, ये सब पता चलता है. और अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य गिव्स अस an account of Mauryan administration and society, whereas Indica has by Medici give an account of court life of Chandragupta. और जैसे example है अर्थशास्त्र कौटिल्य का, वो Mauryan administration और उसकी society के बारे में बताता है, और Medici के द्वारा Indica जो बना लिखा गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के court के बारे में बताता था, बताया जाता है उसके अंदर. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर इंस्क्रिप्शन, हाउ डू दे हेल्प अस टू स्टडी द पास्ट. इंस्क्रिप्शन आर रिटन रिकॉर्ड इनग्रेव्ड ऑन रॉक, मेटल पिलर्स, कॉपर प्लेट, टेंपल केव्स, वॉल्स एंड पैलेसेस. They provide important information about events, ruling and declaration of ancient rulers. They also reveals the state of administration and personal
qualities of king. They provide us with important dates of coronation, specimen of art and relation with neighboring and distant ruler. अब इसमें बता रहा है कि ये इंस्क्रिप्शन के बाद से हमें क्या पता चलता है. इंस्क्रिप्शन क्या है? रॉक मेटल मेटल पिलर्स कॉपर प्लेट पे लिखी हुई चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन हमें उस समय के किंग के क्या डिक्लेरेशन थी, क्या रूल थी, ये सब के बारे में. और रिवेल करती है एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द किंग. और ये प्रोवाइड करती है इम्पोर्टेंट डेट्स और रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन थे, नेबर्स नेबरिंग किंग्स के साथ कैसे रिलेशन थे, क्या व्यापार था, ये सब पता चलता है. Take the following. In this, you can do yourself. Go through the questions and answers properly. Write down in the notebook. When school will gets open, I will check it. Thank you. Hope you like this video.